और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आज तीसरे दिन भी हेलीकॉप्टर घुसकांड में पूछताछ के लिए पूर्व वायुसेना के अध्यक्ष एसपी त्यागी सीबीआई के दफ्तर पहुंचे हैं। कल और परसों उनसे लंबी पूछताछ हुई, आज तीसरा दिन है। आज भी सीबीआई की तरफ से तमाम सवाल पूछे जाएंगे। एसपी त्यागी से पूछा जाएगा कि आखिर रिटायर होने के बाद एसपी त्यागी मिलान क्या करने के लिए गए थे, क्या करने के लिए वो मिलान गए थे, और भी तमाम सवाल हैं एसपी त्यागी के जो रिश्तेदार हैं उनसे जुड़े हुए। ओम प्रकाश तिवारी एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आज क्या सवाल पूछे जाएंगे? आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज गौतम खेतान जो इस मामले का एक दूसरा आरोपी है उसको सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है। इसके अलावा एसपी त्यागी आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ के लिए सीबीआई अधिकारियों के सामने पेश हुए हैं। गौतम खेतान वो शख्स है जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट गिरफ्तार कर चुका है, उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, और गौतम खेतान ही वो शख्स है जिसने इस मामले के एक दूसरे आरोपी हैशके को एमआरएमजीएस के अधिकारियों से परिचय कराया था, और उसके बाद हैशके को एमआरएमजीएस में बतौर बोर्ड डायरेक्टर्स में भी नियुक्त किया गया था। आज सीबीआई हेडक्वार्टर में इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन दोनों को, गौतम खेतान को और एसपी त्यागी को, आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा एमआरएमजीएस के जो एक वरिष्ठ अधिकारी है उन्हें ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। जी, तो आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है, तीसरे दिन लगातार पूछताछ, गौतम खेतान और एसपी त्यागी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी।